दोस्तों आज एक बार फिर से धमाकेदार 3D टेक्सचर लेके आ गया हूँ। दोस्तों ये वाली टेक्सचर किस प्रकार बनाई जाती है आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये टेक्सचर बनाने के लिए 30x15 का हमने इस तरह से पुठा काट लिया है 30x15 और यहाँ बीच बीच में सेंटर में मार्किंग लगा दी है 30 का आधा और 15 का आधा। इस प्रकार मार्किंग करते फिर दीवार पर आपको फर्मा को रखना है और इस तरह से मार्कर पेन से आपको निशान लगाना है और जहाँ डॉट लगा था वहाँ भी इस तरह से मार्किंग लगा देना है और फिर जहाँ डॉट लगाया था इसको बीचों बीच बराबर हिसाब से इस तरह से रखना है फिर आपको मार्किंग करनी है। ये डॉट हमने इसलिए लगाया था कि आपका फार्मा आगे पीछे ना हो जाए, अगर फार्मा आगे पीछे हो गया तो आपका डिजाइन आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो आड़ा टेढ़ा ना हो सही ढंग से डिजाइन हो इसीलिए हमने इस तरह से मार्किंग लगाया है। दोस्तों देखिए ये लगाने के बाद इस तरह हल्का सा आपको डॉट मार्किंग कर लेना है फिर घुमा के इस तरह से फार्मा को फिर से उलट के रखना है। देखिए जैसे वीडियो में बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आप मार्किंग लगाते हुए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। फिर इस तरह से नीचे में मार्किंग लगाना है और इसी प्रकार आप पूरे दीवार को इस तरह से मार्किंग लगाना है और डॉट को निशान लगाना मत भूलना दोस्तों। Dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. हमने ये रॉयल कलर ले लिया है रॉयल लग्जरी इमर्सन और इसके अंदर हमने ऑरेंज स्टीनर मिलाया है। देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा स्टीनर आपको मिलाना है, थोड़े से बचा फूचा कलर में ही आपकी ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगी। फिर हमने ये बलून लिया है, देखिए दोस्तों ये बलून के अंदर मार्बल यानी कि गोटी डाल देना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह अंदर में इस तरह गोटी डाल देना है। फिर आपको नीचे तक ये बाद में नीचे में ले जाके आपको यहाँ पे रबर बैंड बांधना है। देखिए यहाँ इस तरह से पकड़ना है और रबर बैंड आपको लगा देना है, बहुत टाइट मत बांधना, थोड़ा लूज ही बांधना ताकि हम लोग रोज़ का फूल का टेक्सचर बनाने वाला है तो फूल का निशान आए इसलिए देख हल्का सा टाइट करके बांधा है। और फिर ये बलून को उलट देना है बिल्कुल इसी तरह जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको उलट देना है। देखिए इस तरह जैसे मैं उलट रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आज न्यू स्टाइल से टेक्सचर बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार टेक्सचर होने वाली है दोस्तों। देखिए इस तरह से उलट देने के बाद इसको मुंह से हवा भरने का, उसको ज़्यादा नहीं फुलाने का, उसको हल्का सा ही फुलाने का है। देखिए ये आगे से दिख रहा है जैसे गोटी दिखना चाहिए जो वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह, और आपको यहाँ पर धागे से बांध देना है या फिर गांठ लगा के आपको देखिए। फिर हमने ये ऑरेंज कलर ब्रश से ढक्कन पे लगाया है, ज़्यादा कलर नहीं लेना है, बस इसको इस तरह से पंच करना है फिर दीवार के ऊपर पंच कर देना है। देखिए दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह और यहाँ फूल की पंखड़ियों की जरा टेक्सचर बनके तैयार हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और तुरंत सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही मेरे चैनल पे वीडियो हमेशा आती रहती है। अभी तो मैं हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और मेरा काम भी देखना पड़ रहा है और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, और साइट पर भी टेक्सचर जब बनाता हूँ तो बहुत सारा शूट करना बाकी रह जाता है और वही टेक्सचर मैं घर पर आके भी आपको सिखाते हुए बनाता रहता हूं दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए इस तरह फूलों की पंखुड़ियों की तरह सा टेक्सचर बन रही है दोस्तों। ओहो और ये देखिए ये है खजूर का पत्ता, खजूर का पेड़ होता है ना, खजूर का पेड़ का पत्ता हमने ले लिया है और इस तरह से बीच में लगा दिया है और चारों तरफ हम मास्किंग टेप लगाएंगे और इनसे भी
टेक्सचर कैसे बनता है ये आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये वही वाला फॉर्मूला है जो पहले स्टार्टिंग में हमने जो आपको दिखा है ना 30x15 का, वो 30x15 हमने काट लिया और साइड का जो हिस्सा बच गया है ना उसके अंदर हमने खजूर का पट्टा लगा दिया है। देखिए इस तरह उलट के भी दिखाता हूँ। और ये देखिए आड़े में जहाँ था वहाँ हमने ये ग्रीन स्प्रे ले लिया है ताकि ये पत्ते का निशान आ जाए। देखिए ये खजूर का पत्ता और ऑरेंज रोज ऑरेंज फूल का निशान, दोनों मिलके गजब की टेक्सचर बनने वाली है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, पूरे के पूरी वीडियो देखना क्योंकि आगे मैं और भी शानदार तरीके से सरप्राइज टेक्सचर लाता रहता हूँ दोस्तों। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल करना ताकि मैं जब भविष्य में जब भी वीडियो डालूं तो सीधी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। और हमने ये ब्लैक वाला स्प्रे ले लिया है। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो हमने लंबे वाले जो निशान बनाया था चाहे कि खजूर का पट्टे का हो या फिर फूलों का हो, वहाँ पर इस तरह से हमको इस तरह से ब्लैक स्प्रे करना है। देखिए जैसे मैं खड़े में कर रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार, और देखिएगा ये दोनों को कर लिया, फिर हमने ये पट्टे को कर रहा है। देखिए इसी प्रकार पूरे दीवार को इस तरह से आपको स्प्रे कर लेना है दोस्तों। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to... और हमने ये ब्लैक कलर ले लिया है दोस्तों, आप भी इस प्रकार का कलर कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैक ऑयल पेंट लिया है, चाहे तो आप वाटर बेस में भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार की टेक्सचर तैयार हो जाने के बाद बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हाँ बेल आइकन जरूर ऑल करना, ताकि बेल आइकन ऑल करोगे तो ही मेरी नई जब मैं वीडियो बनाऊंगा किसी टेक्सचर के ऊपर बनाऊंगा तो ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो बेल आइकन ऑल करोगे तो ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी दोस्तों, इसीलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर ऑल करना दोस्तों। और जिन्होंने कर लिया है उसका तो बहुत सही दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देख दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत आसानी होती है, लेकिन वीडियो बनाते हुए शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें दोस्तों। चैनल का नाम है स्मार्ट टेक्सचर, और स्मार्ट टेक्सचर को हमेशा सब्सक्राइब करें दोस्तों।